प्रोविजन्स हैं जो कि क्वालिटी में प्रीमियम क्वालिटी कहलाते हैं। ये हम ये कहते हैं कि जी ये फला की लाइन है, बड़ा हाई क्वालिटी बर्ड है ये, इसके स्पॉट्स देखें, इसका बिलो देखें, इसके शोल्डर देखें आप कितने चौड़े कितने ब्रॉड शोल्डर हैं। बताइएगा ये कौन सा बर्ड है? जी ये भी ग्रे नॉर्मल कहलाता है, ग्रे इसका कलर है और नॉर्मल मार्किंग बर्ड है। हेड साइज देखें, इसके स्पॉट्स देखें, इसके फीडर देखें, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अरे भाई ये कौन सी चीज़ है, ये क्या है? ये ग्रे ग्रीन नॉर्मल कहलाता है ये एग्जीबिशन। ये भी मेरा अपना होम ब्रीड बर्ड है। अच्छा ग्रे ग्रीन जी, और इसने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ब्रीड करी थी, ये इसका सेकेंड ईयर है ब्रीड करने का। और ये मेरा बड़ा पसंदीदा बर्ड है क्योंकि ये दो मरतबा शो विन कर चुका है। अरे माशाल्लाह, हमारा KBA का शो हुआ था उसमें ये बेस्ट अपोजिट सेक्स हुआ था, और बड़ा हाई क्वालिटी बर्ड है ये। इसके स्पॉट्स देखें, इसका बिलो देखें, इसके शोल्डर देखें आप कितने चौड़े कितने ब्रॉड शोल्डर हैं। माशाल्लाह इसके स्पॉट्स आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बर्ड है। तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इस तरह के बर्ड अब मेरे पास ब्रीड हो गए हैं। माशाल्लाह ये आपके घर की होम ब्रीड है? ये मेरी अपनी होम ब्रीड है, मेरा अपना रिंग बर्ड है, अपना रिंग बर्ड है। और सबसे बड़ी बात ये विन कर चुका है दो बार, दो मरतबा ये शो जीत चुका है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह अल्लाह आपको और सलामत रखे आपके बर्ड को। बहुत ज़बरदस्त, आप इसकी क्वालिटी देखें, क्वालिटी देखें, हेड देखें, इसके हेड के फीडर्स को किस तरह ये ब्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शनल फीडरिंग देखें जो साइड में फीडर्स हैं। माशाल्लाह। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से इसरार कर रहे थे यार क्वालिटी एग्जीबिशन देखना है, क्वालिटी एग्जीबिशन। तो व्यूअर्स आपका इंतजार खत्म हो गया। वो जो नुसरत हमें कहते हैं ना ब्लड लाइन एग्जीबिशन क्या होता है, तो ये वो ब्लड लाइन एग्जीबिशन हैं जो कि क्वालिटी में प्रीमियम क्वालिटी कहलाते हैं। ये हम ये कहते हैं कि जी ये फला की लाइन है, तो ये ब्लड लाइन होती है कि जी ये जिस तरह हमने कहा माइक बॉल की लाइन है, अहमद शाही की लाइन है, तो जी आरिफ रजा की लाइन है। तो इस तरह लाइन जब आप एक बर्ड को कंटिन्यूसली कई साल तक ब्रीड करवाते हो अपने बर्ड्स को और उनसे बेबीज निकलते हैं, वो फिर आपकी लाइन कहलाते हैं। ऐसे नहीं होता कि मैं कहीं से ख़रीद के लाया, अपने घर पे रखा, ब्रीड कराया और मैंने कहा जी मेरी लाइन है। अच्छा अच्छा, यानी फर्दर दो तीन चार मरतबा आप ब्रीड कराएं उस बर्ड को अपने पास, वो लाइन को आप डेवलप करें, ग्रो करें, फिर वो आपकी लाइन कहलाती है। अच्छा, लोग बाज़ों का जहनों में ये सवाल आता है, एक दफ़ा ले लो किसी से बर्ड और घर में लाओ, जब ब्रीड कर जाए उसको रिंग पहना लो और कहो पहना लो और कह दो कि भाई ये मेरा बर्ड है ना, ऐसा नहीं होता ना? बिल्कुल ऐसा नहीं, तीन चार ब्रीडों के बाद कराएं, जब वो एक आपका पैटर्न बन जाए उस बर्ड में, एक कोई ख़ास फीचर आपने जो डेवलप किया वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर वो आपका लाइन बर्ड कहला। ये चीज़ कन्फ्यूजन मेरे जहन से भी दूर हो गई और तमाम व्यूअर्स जो नए फैंसियर हॉबियर्स हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन। बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारा है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जबरदस्त। तो आरिफ भाई ये बताइएगा ये कौन सा बर्ड है? ये ग्रीन इसको हम कहते हैं कलर में, और ये एग्जीबिशन बर्ड है। ये हमारे दोस्त होते हैं लाहौर में अहमद शाही, मैंने उनसे लिया था ये बर्ड। अच्छा माशाल्लाह, तो ये काफ़ी खूबसूरत और जानदार। और अभी एज कितनी आई भाई? ये तकरीबन अराउंड ढाई साल का होगा, अराउंड ढाई साल का होगा। तो अभी ये ब्रीड पे लगा हुआ है यार? जी ब्रीड पे लगा हुआ है अभी ये। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसने लास्ट ईयर भी ब्रीड करी थी मेरे पास और इंशाल्लाह इस साल भी इससे बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा माशाल्लाह, तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने ये डब्बा खोल दिया और माशाल्लाह आरिफ भाई ने इसका जलवा कराया है, तो देख सकते हैं आप काफ़ी क्वालिटी बड़ी माशाल्लाह। अब आरिफ भाई इसके आप हेड साइज़ देखें, इसके स्पॉट्स देखें, इसके फीडर देखें। हाँ माशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि एक्सेप्शनल हैं और ग्लो करते हैं, बड़ा ग्लो कर रहा है जी। माशाल्लाह, ये जो हम शो करवाते हैं कराची बजरीगर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, वहाँ इस तरह के बर्ड्स लोग लेकर आते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, मज़ा आया होगा आपको ये बर्ड देखकर और मज़ीद दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम आरिफ भाई से पूछेंगे कि दो बर्ड एक नीचे है एक ऊपर है, और ये कौन सी क्वालिटी, हम आपको आगाही देंगे माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये माशाल्लाह बैठ चुके हैं, अभी चलते हैं थोड़ा खरीद। तो आरिफ भाई बताइएगा ये कौन से हैं? इसे नॉर्मल ग्रे बर्ड कहते हैं, ग्रे बर्ड कहते हैं। ये मेरा अपना होम ब्रीड बर्ड है। अच्छा। और ये इसका फर्स्ट अभी एक साल हुई है इसकी, एक साल, ये पहला साल है जब इस अब ये ब्रीड करेगा। अच्छा माशाल्लाह, और अभी ये शो में भी नहीं गया है, शो में नहीं गया है। हाँ, अभी जब से ये बड़ा हुआ है अभी शो कोई अब तक ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है, कोरोना की वजह से शोज रुके हुए हैं पूरी दुनिया में। तो इंशाल्लाह हमारा KBA कराची बजरीगर एसोसिएशन का शो 2021 में हम ज़रूर कराएंगे अगर कोरोना से इंशाल्लाह ताला जान छूट गई। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आरिफ भाई ये एज कितनी है इसकी? इसकी अभी ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ईयर एज ही है।
अच्छा अरे भाई, हमारे कैप्टिविटी में कितने साल जीते हैं ये बर्ड, ये जो एग्जीबिशन बड़े बर्ड यार है? इनकी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं स्पेसिफिक नंबर्स में आपको नहीं बता अच्छा, सकता अच्छा। लेकिन आप ये समझ लें 8-10 साल तो इनकी लाइफ आराम से निकाल लेते हैं। और अच्छी आप डाइट दें तो उस पर बड़ा इन्हसार होता है ना? उस पर बहुत इन्हसार होता है बिल्कुल, कि आप इनको खिला के आ रहे हैं। अब जैसे इनके दाने में कैनरी सीड ज़्यादा होती है, अच्छा कैनरी सीड ज़्यादा होती है, कैनरी सीड थोड़ी ज़्यादा होती है स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, 50% या उससे भी थोड़ी बढ़ा देते हैं हम कैनरी सीड। कैनरी सीड का क्या काम होता है अरे भाई? कैनरी सीड जो है वो प्रोटीन सीड है, तो उससे इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बड़ी अच्छी पूरी होती है। अच्छा। और लाजमी सी बात है, वो सीड है तो अल्लाह ने उसमें सारी चीज़ें रखी जी। और ये क्योंकि एक म्यूटेशन बर्ड है, मतलब हाई क्वालिटी बर्ड्स हैं, तो इनको इनकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी रखने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके लिए और भी चीज़ें हैं जो हम देते हैं, फॉर एग्जांपल बॉयल एग देते हैं डेली सॉफ्ट फूड में, नील वॉर्म्स एक आते हैं, नील वॉर्म्स इनको देते हैं, ये सारे हाई प्रोटीन चीज़ हैं, हाई प्रोटीन आइटम्स हैं। चलिए अब दूसरा बर्ड देखते हैं, बताइएगा ये कौन सा बर्ड है? जी ये भी ग्रे नॉर्मल कहलाता है, ग्रे इसका कलर है और नॉर्मल मार्किंग बर्ड है। अच्छा। ये माइक बॉल का रिंग बर्ड है, माइक बॉल से मैंने लिया था। अच्छा। किसी और से लिया था माइक बॉल का बर्ड, और ये भी फर्स्ट ईयर होगा इसका ब्रीड पे, ये 2018 का बर्ड है, लेकिन लास्ट ईयर ये ब्रीड पे नहीं लगा था, अब ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा इस साल। अच्छा, ये माइक बॉल कौन है? अरे माइक बॉल एग्जीबिशन के बहुत फेमस ब्रीडर हैं यूरोप में, और ये यूके में होते हैं। अच्छा अच्छा। और इनसे बर्ड मिलता नहीं है इतनी आसानी से, तो लेकिन ये कि यस सेल तो करते हैं, तो वहाँ जाके इनसे लेने होते हैं बर्ड। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने यहीं से पाकिस्तान में? मुझे यहीं से ये पाकिस्तान में रह के अरेंज हो गया था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त खुशनसीबी है कि आपके पास ये अच्छे ज़बरदस्त ब्रीडर। बस अब दुआ है इससे इंशाल्लाह इस साल ब्रीड मिले, तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड है, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, और भी बस तमाम से गुजारिश है कि माशाल्लाह जरूर कहिएगा। सल्ली अला मुहम्मद।